चॉकलेट खाओ मोबाइल की वजह से। कैसे है? ओ भाई काम से सवाल, ये जेल लगाना है दादा दो रहा है और दिखा है। ये देखो जी पीपल ये उससे पता चलता है कि सिविलियन लोकल प्रॉब्लम क्या है, लोकल प्रॉब्लम भी है और वहाँ जो डिमांड एड कम है। एग्जैक्टली वहाँ आई वाला जनरल डैश वाज देयर द योर प्लेस ही वाज ही सिंपल सिंपल नीमिक है ऐसे आके है ना आके आई फॉर हिम टू द आई स्पेशलिस्ट ऑफिसर होगा। यस सर ठीक है फिर देखेंगे इसमें कोई सांस आ रहा है क्या नहीं आ रहा है फिर पूछेंगे फिर देखा फिर नहीं हुआ तो हमने फिर ये कंटिन्यू करना है ऐसे ठीक है ऐसे 30 बार ऐसा है कंटिन्यू करना है 1 मिनट में फिर ये एंटीनेटल केयर इंट्रानेटल फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करना ऐसे फिर चेक करेंगे नहीं हो रहा कंटिन्यू करना तब तक गाड़ी आ जाएगा तो गाड़ी हम हॉस्पिटल कुछ आप दे भी सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेंस्ट्रुअलाइजिंग आप इनमें से कोई टीचर्स कोई आंगनवाड़ी वाली ऐसी पहने हो आशा वर्कर आप मैंने वही कहा मैंने कहा वो तो अच्छा है तो अच्छी बात है आपके लिए बड़ा आप और 10 लोगों को समझा सकते हो कुछ ले भी जाना ना ये शुगर शुगर वाला तेल वगैरह वही था कहना कि आंगनवाड़ी आशा वर्कर तो कह लेंगे हमें क्या हो गया माता जी कौन से ईयर में तो कप्तान भी नहीं बन सके और आप कर्नल बन सके थे आपके स्टूडेंट हैं तो वेयर डिड यू डू योर पीडियाट्रिक्स आफ्टर दैट सर 10 ईयर यार कौन से आ रहे हैं ज्यादा कैसे सर अभी तो मोस्टली कफ एंड कोल्ड फिर सर्वाइकल नहीं करना पड़ती बीच में एनीमिया मोस्ट कॉमन है सर दिस बेबी इज हैविंग मम्स एंड इज आल्सो केस ऑफ नॉक्चुरल एनीमिया और आरबीए में नहीं आए तो क्या फायदा आरबीए तो क्यों दे रहा डॉक्टर
तो प्रिंटर प्रिंटर गिव इट इमीडिएटली कौन से ज्यादा क्या आ रहे हैं हाइब्रिडेशन आ रहा है यूपीडी आ रहा है यूपीडी ज्यादा है हमें ब्रेकलेसनेस स्मोकर्स हैं काफी हाइब्रिड दो वगैरह ठंडी से लोशन बिस्निया के काफी केस है हाई ऑल्टीट्यूड तो इतना नहीं है यहाँ की हाइट की तो है क्या ज्यादा कौन से केसेस आ रहे हैं सर पेरियोडोंटाइटिस कैरियस के आंसर सर दैट इज मोर रिलेटेड टू डेंटल हेल्थ केयर सर डेफिनेटली प्लीज कैरी ऑन सर हां सर आए हैं तो मुझे लगेगा कि शाम को सारे अफसरान हैं जनरल साहब हमारे साथ आए हैं जनरल शिवेंद्र जी स्पेशली अपना वक्त निकाल करके उधमपुर से तो मैंने आपकी तरफ से इनका शुक्रिया अदा करने के लिए बोलने का फैसला किया और जहां जहां भी हमारी कभी भी किसी तरह की इस तरह के सहयोग की जरूरत रहती है स्वास्थ्य के नजरिए से हो या किसी और से सेना ने हमारा हमेशा सहयोग किया है खासतौर इन पहाड़ी इलाकों में किश्तवाड़ डोडा का जिला और इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डूडू बसंतगढ़ वक्तन वक्तन ही कैंप लगाते हैं और जहां जहां पर हमारे सिविलियन डॉक्टर नहीं पहुंच पाते या हमारी अपनी सेवाओं का अभाव होता है कमी होती है ये पूरी करते हैं इसलिए जितना भी इनका शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है और आज यहाँ पर ये हर किस्म की बीमारी के डॉक्टर स्पेशलिस्ट मौजूद है फेफड़े की बीमारी के हार्ट के हड्डियों के बच्चों के जनाना बीमारियों के और साथ साथ टेस्ट भी हो रहे हैं तो उसके लिए इलाज के नुस्खे भी मिलेंगे कोई एक ऐसी बीमारी नामराद कोई ऐसी पता चलती है जिसका इलाज यहाँ नहीं है जिसके लिए कोई ऑपरेशन या सर्जरी दरकार है तो डॉक्टर साहब ये भी मशवरा देंगे कि कहाँ जाकर के करनी है सर्जरी इनके अपने अस्पताल भी है उधमपुर में बहुत बड़ा अस्पताल है नहीं तो हमारा किश्तवाड़ में अस्पताल है तो ये हमने फैसला ये किया था कि हम जो जो भी इलाके ऐसे हैं जहां हमारी डॉक्टर शायद अस्पतालों में पूरी तरह से मौजूद नहीं है वहां इनका सहयोग लिया जाए आपने देखा जब मिलिटेंसी का जमाना था तब भी फौजी हमारे सहायता के लिए आती थी तब ये हमारे सहयोग भी करते थे हमारे लिए कैंप लगाते थे बच्चों के लिए पढ़ाई के कैंप खेलों के कैंप और अब जब शांति बहाल हुई है तो हमारी सेहत का ख्याल यानी हर मौके में हर हालात में फौज हमारे साथ खड़ी है ये हमारे लिए बहुत बड़ी भरोसे की बात है और मोदी जी ने जब से क्यादत संभाली है इस मुल्क की उन्होंने कहा है कि खास तवज्जो दी जाए उन इलाकों को जिनको शायद पहले उस तरह की तवज्जो नहीं मिली जिसके वो हकदार थे जिसमें दूर दराज के इलाके जैसा ये इलाका और इसलिए ये सारा इकदाम आपकी महदूद के लिए और आपकी सहूलत के लिए किया गया एक आज यहाँ पर मांग आई कि ये कैंप दो दिन तीन दिन चार दिन चलना चाहिए इसका मतलब ये होगा कि आप सब ने जो फौज की तरफ से जो डॉक्टरी सेवाएं उपलब्ध हुई हैं उसको मान्यता दी है उसका एहतराम किया है और आपको लगता है आगे भी चलना चाहिए मैंने आपकी तरफ से जनरल साहब के आगे जो इधर रखा है वो कह रहे हैं अगली बार ऐसा ही करेंगे हम दो तीन दिन कैंप चलाएंगे और आज का जो तजुर्बा है इससे सीख कर किस तरह के और इंतजाम करेंगे वो भी सुनिश्चित किया जाएगा तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि इस वक्त आपके लिए इलाज कराना ज्यादा जरूरी है नेताओं का भाषण इतना जरूरी नहीं है क्योंकि घर से आए ना आप बीमारी दिखाने नहीं बैठ तो ऐसे कहें नेता भाषण ही करते रहे तो बीमारी का इलाज नुस्खा नहीं मिला तो आप इलाज कराए मैं इधर ही हूँ हम आपस में बैठेंगे इधर आपको किसी चीज की जरूरत आप हमें बताओ और आप सबकी तरफ से एक बार फिर मैं जनरल साहब का और सारी टीम का बड़ी मुश्किल हालात में इतने अपने काम काज छोड़ करके ये दिवाली के दिन जरा हम दिवाली मनाएंगे तो वहां जाकर मनाएंगे तो मोदी जी ने हमें सिखाया हर साल दिवाली जाते हैं सैनिक हम दिवाली मनाने का इससे अच्छा और क्या तरीका है कि आपका आशीर्वाद हमको भी मिले इनको भी मिले और साथ में जो हमारे